हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? तो बहुत दिन हो गए, हमने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि काम बहुत था हमारे पास और ठंड बहुत हो चुकी है। और देखो, बच्चा अभी छोटा है और ये गोदी में बैठा हुआ है, और ऐसे में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं? यहाँ पे ऑफिस का काम करना है और ये लड़की ऑफिस का काम नहीं करने दे रही, गोदी में बैठी हुई है। आप कुछ बताओ, ऐसे में कैसे काम हो सकता है? क्या चाहिए क्या चाहिए? मम्मी कुछ काम कर रही, तभी तो तू मेरी गोदी में बैठी है। तो सुबह के बच्चों के 11 और लैपटॉप को साइड पर रख के 15 मिनट का ब्रेक ले लिया गया, क्योंकि अब पी जाएगी चाय। चाय आज हम लेट हो गए पीने में, क्योंकि बींग अ मंडे वर्क प्रेशर है थोड़ा, और ऊपर वर्क से प्रेशर से ज्यादा कुकू प्रेशर, कुकू प्रेशर भी है। ये लड़की सुबह जल्दी उठ जाती है और जब हम मेरा काम करने का टाइम होता है ना, ये फैली पड़ी होती है। और अभी हम चाय वाय का मजा ले रहे हैं, मखाने खा रहे हैं। मखाने इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, खाने चाहिए। बिस्किट खाए जा रहे हैं, कुकू बिस्किट खा रही है। और इसके बाद लगेंगे 2 घंटे काम करने में और बीच में करेंगे ब्रेकफास्ट, ठीक है जी? सो चाय वगैरह खत्म कर लिया और अब बैठेंगे काम करने में। लेकिन उससे पहले एक जरा मोस्ट इम्पोर्टेंट काम जो मेरे लिए रहता है, मेरा डेली का टास्क रहता है जो मुझे करना ही होता है, तो वो है बॉटल में पानी गर्म करना और बच्चे की बॉटल को उबालना, बॉयल करना, क्योंकि वो डेली बेस पे करना पड़ता है। और उसके बाद मैं फ्री हो जाता हूँ, फिर मैं पूरा दिन लग के छिक के काम करता हूँ। तो फटाफट से पानी गर्म करता हूँ, बॉटल वगैरह बॉयल करता हूँ, उसके बाद बैठते हैं अपना काम करने में। मेन अपना ये टास्क रहता है बोतल का, बोतल लो पानी की बॉटल, बस ये दो टास्क करने के बाद अपन फ्री। काम के साथ साथ हमारी एक और ड्यूटी है जो कि है बच्चे को ढंग से खिलाना, और खाना वाना खिला रहे हैं अभी, लेकिन उसके लिए दोनों पेरेंट्स को लगना पड़ता है। मम्मी खिलाती है और मैं एंटरटेन करता हूँ, वरना वो खाती नहीं, और एंटरटेनमेंट का सोर्स ही है। अभी दिखाता हूँ कि कैसे कुकू खाती है, उर्फ आरना कैसे खाती है। वे इसका जो वे है अलग ही तरीके का है। चलो भाई खाओ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, कुछ नहीं। और अगर इसको अच्छे से खिलाना होता है तो टेंट्रम करने पड़ते हैं। अब देखना इसकी खाने की स्पीड कैसे बढ़ेगी। सही ड्यूटी पे लगा रखा बेटा तूने मम्मी और पापा को। देखो अब लड़की पूरे एंजॉय करके खाएगी, बट अच्छी बात है, फ़ोन वो ना देखने की बदले में ये टॉय यूज़ करती है, विच इज़ अ गुड थिंग। पकड़ ले। और गाइस, ये जो इंसान है ना, ये हमेशा इस आड़ में रहता है कि कुकू छोड़े और मैं खाऊं। ये पूरी कुकू वाली डाइट ले रहा है बहुत टाइम से। फायदा है ना कि जो जो थोड़ा सा उसका बचता है वो मैं खा लेता हूँ, क्योंकि इसमें ना मसाला होता ना कुछ, और सारा हेल्दी भी होता है। अन्ना के लिए हम लाया है बलून। क्या देख रही है ना, बलून दे दो, बलून। इतनी बड़ी डंडी अभी तोड़ी है मैंने, इसको और तोड़ दो। सही लग रहा है ना ये। आज मम्मी का बर्थडे है, रात के 12 बज चुके हैं, और मुझे पता है मम्मी बोल चुकी है कि उनका बर्थडे है। केक वेक हम ले आए हैं, सेटिंग पूरी कर लिया। मम्मी अभी आने वाली है, केक काटने में चुपचाप आ रहे वो बासी ले लो तुम। है सही है। चलो भाई ये तेली लग जाएगी, चिपक जाएगी। मारो फूक, फूक मारो, चाकू उठाओ। आगे कर दो उसको। थोड़ा थोड़ा खा लो सारे हैं, पापा खाएंगे। नहीं वैसे ही बूमरैंग नहीं, वीडियो बन रही है। काम के बीच में जब जब थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है, धूप सेक ली जाती है, और बहुत कम ऐसा होता है कि धूप मिलती है। आज धूप बहुत बढ़िया आ रही है, मस्त एकदम। ये धूप सेकते हैं। गाना सुनाओ,
अभी छत थोड़ी गंदी हो रही है क्योंकि काम चल रहा है, बहुत जल्दी ये नीट एंड क्लीन होने वाला है क्योंकि फाइनल टचअप मिलने वाला है इसको। और यहाँ पे ये देखिए छोटी सी अशोक वाटिका बनाई है पापा ने, बढ़िया लग रही है ना। पिंग पॉन्ग, ओ बॉय शॉप कैप उधर की। तो दोस्तों ये वाला व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, ऐसे ही लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और सब्सक्राइब करते रहे। एक इंपॉर्टेंट अपडेट यार, हमारे जो व्लॉग्स हैं ना उसमें व्यूज थोड़े कम आते हैं, आई डोंट नो व्हाई। इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल, इतनी बड़ी फैमिली होने के बावजूद भी व्यूज कम है, तो प्लीज व्यूज देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अब ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड हो गया, तो अब देखते हैं अगला कौन सा व्लॉग बनाया जाए। मेरे दिमाग में एक टॉपिक है तो अगले ब्लॉग में हम वो वाला डालेंगे। तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करते रहो और व्यूज़ देते रहो भर भर के। बाय बाय।